वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडिया मार्ट के स्टॉक के बारे में। कंपनी की तरफ से जो Q4 के नंबर हैं वो यहाँ पे पब्लिश कर दिए गए हैं, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कंपनी ने जो Q4 के नंबर हैं वो यहाँ पे कैसे दिखाए हैं। डिविडेंड भी सर्च कर लेते हैं। डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है कंपनी की तरफ से, जो फाइनल रिकमेंडेड डिविडेंड है 20 रुपये पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे दिया गया है ऑन फेस वैल्यू 10 रुपये पे। तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड भी यहाँ पे कंपनी की तरफ से दिया गया है। अब आ जाते हैं डायरेक्टली Q4 के नंबर पे। क्वार्टर वाइज एडिटेड स्टैंड अलोन रिजल्ट है, डायरेक्टली हम कंसोलिडेटेड ही रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है और जो वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे मिलियंस में दी गई है, तो हमको करोड़ में कन्वर्ट कर लेना है। जो टोटल इनकम आई है इस बार 391 करोड़ आई है, लास्ट क्वार्टर 347 करोड़, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 299 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम बढ़ी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इनकम बढ़ी है। ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, नो डाउट इस पर यहाँ पे इसको राइट टिक देना चाहिए। इसके बाद टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे जो हैं कंपनी के वो यहाँ पे देखो 241 करोड़ 230 करोड़ लास्ट क्वार्टर में, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 213 करोड़। तो खर्चे भी बढ़ने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी राइट टिक देना चाहिए। मेन मुद्दे की बात आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कितना जनरेट किया बिफोर टैक्स, 139 करोड़, लास्ट क्वार्टर 109 करोड़ और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यहाँ पे 75 करोड़ ओनली। तो यहाँ पे Q1Q बेसिस पे भी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है और Y1Y बेसिस पे तो अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ी है, तो यहाँ भी थम्सअप देना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी ने कितने कमाए, 99 करोड़, लास्ट क्वार्टर 81 करोड़, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 55 करोड़। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, प्रॉफिटेबिलिटी Q1Q Y1Y बेसिस पे बढ़ी है, तो यहाँ पे भी ब्लू टिक। कंपनी के जो नंबर हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइड आए हैं, ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। आपको नंबर कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो Q4 की अपडेट है हमारे चैनल पर सबसे फास्ट आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।